नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। रिंकू सिंह, जिसे 9 अप्रैल शाम 7 बजे से पहले तक बहुत कम ही लोग थे जो जानते थे, लेकिन 7 से 7:30 होते होते रिंकू सिंह ने कुछ ऐसा कमाल किया कि पूरी दुनिया में इनके नाम की चर्चा होने लगी। बड़े से बड़े क्रिकेट दिग्गज भी रिंकू सिंह को सलाम ठोकने लगे, क्योंकि रिंकू सिंह ने अपने नाम इतिहास के पन्नों में एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। मैच के अंतिम 5 गेंदों में 5 छक्का जड़कर रिंकू सिंह ने क्रिकेट स्टेडियम में जो खलबली मचाई वो देखने लायक थी। 5 छक्के लगाकर रिंकू सिंह ने एक असंभव दिख रहे लक्ष्य को संभव कर दिया और रातों रात आईपीएल की दुनिया के स्टार बन गए। लेकिन यहां तक पहुंचना रिंकू सिंह के लिए इतना आसान नहीं था। एक शेर है कि मेरी कामयाबी देखकर लोग हैरान हैं, लेकिन लोगों ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। ऐसा ही कुछ रिंकू सिंह के साथ भी। आज भले ही रिंकू सिंह ने कामयाबी की बुलंदी छूते हुए आईपीएल में इतिहास रच दिया, लेकिन यहां तक का सफर बहुत ही कठिनाइयों वाला है। चलिए इस वीडियो में रिंकू सिंह के संघर्ष से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रिंकू सिंह का परिवार अलीगढ़ का रहने वाला है। यही रिंकू का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को हुआ था और वो 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। रिंकू के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को हमेशा आय की चिंता रहती है। ऐसे में हर पिता चाहता है कि उसका बेटा भी काम करे और परिवार को आर्थिक रूप से सहायता दे। लेकिन इसके उलट रिंकू सिंह को क्रिकेट में दिलचस्पी थी और वो हमेशा क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहते थे। ऐसे में रिंकू के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट में समय बर्बाद करे। इसको लेकर रिंकू की कई बार जमकर पिटाई भी हो जाती थी। खैर, एक बार दिल्ली में खेले गए एक टूर्नामेंट में उन्हें इनाम के तौर पर बाइक मिली थी, जिसे उन्होंने अपने पिता को सौंप दी। इसके चलते रिंकू की पिटाई तो बंद हो गई, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब बनी हुई थी। ऐसे में रिंकू ने नौकरी करने का फैसला किया। अब चूंकि रिंकू ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसे में उनके लिए काम ढूंढना भी आसान नहीं था। रिंकू सिंह को काम तो मिला, लेकिन वो काम था कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने का। रिंकू को इस काम में मन नहीं लगा और उन्होंने कुछ ही दिनों में काम को अलविदा कह दिया और फिर उन्होंने पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया। और कहते हैं ना, किसी भी सपने को साकार करने में कुछ लोग होते हैं जो फरिश्ते बनकर आपकी जिंदगी में आते हैं। रिंकू सिंह की जिंदगी में भी 2 फरिश्ते आए, जिन्होंने रिंकू को हर तरह से सपोर्ट किया और उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। इन दो लोगों का नाम था मोहम्मद जीशान और मसूद अमीन। मसूद अमीन ने रिंकू को बचपन के दिनों से क्रिकेट की ट्रेनिंग दी। वहीं जीशान ने अंडर 16 ट्रायल में 2 बार फेल होने के बाद इस क्रिकेटर की काफी मदद की। खुद रिंकू सिंह ने भी इस बात का एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। रिंकू की मेहनत आखिरकार रंग लाई जब 2014 में उन्हें यूपी की ओर से लिस्ट ए और T20 क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। रिंकू सिंह ने 2 साल बाद पंजाब के खिलाफ मुकाबले से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया। रिंकू ने उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। रिंकू सिंह ने अब तक 40 फर्स्ट क्लास, 50 लिस्ट ए और 78 T20 मैच खेले। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 59.89 के एवरेज से 2875 रन, 19 अर्धशतक शामिल है। बेस्ट स्कोर नाबाद 163 रन रहा। लिस्ट ए में रिंकू ने 53 के एवरेज से 1749 रन बनाए, 1 शतक और 16 अर्धशतक लगाए। रिंकू ने T20 मैचों में 6 अर्धशतकों की बदौलत 1392 रन बनाए। वहीं अगर आईपीएल की बात करें तो रिंकू को सबसे पहले आईपीएल 2017 की नीलामी में किंग्स 11 पंजाब, जो अब पंजाब किंग्स है, उन्होंने 10 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि उस सीजन उन्हें एक ही मुकाबला खेलने को मिला। वहीं साल 2018 के सीजन में रिंकू सिंह को 80 लाख रुपए की कीमत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया। तब से वो केकेआर से जुड़े हुए हैं और 9 अप्रैल की शाम जो कुछ भी हुआ उस ऐतिहासिक पल का गवाह सभी क्रिकेट प्रेमी बन गए। तो इस तरह से रिंकू सिंह ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बदौलत उस मुकाम को हासिल कर लिया जिसका हर युवा क्रिकेटर सपना देखते हैं। वैसे आप रिंकू के इस कामयाबी पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।
स्टेडियम में खेलता था या गाय, तो वहाँ पे उसने रन बनाए, तो मैं कहता था भाई पढ़ लें इसमें मैच मैच पे क्या रखा है, तो उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था या गाय। फिर उसने दो चार जगह रन बनाए तो सब आदमी यही कहते थे कि भाई तुम्हारा लड़का अच्छा खेलता है, और तो फिर मैंने उससे बिल्कुल मना नहीं करी, मैंने कि तुझे मैच खेलना है तो मैच खेल तू। आप क्या करते थे? मैं गैस सिलेंडर की डिलीवरी करता हूँ। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी? नहीं, पहले थी, फिर बीच में मेरे को कुछ गलत हो गए तो उसमें बहुत ज़्यादा वो हो गई मेरे को एक ऐसे, तो बहुत मैंने उसे बैट बैट भी नहीं दिलवा, कोई चीज़ नहीं दिलवाई मैंने उसके लिए। कैसे सर्वाइव किया उन्होंने, कैसे आगे बढ़े? आगे ये वो अच्छा करता था एक, तो फिर फकीरा मसूद सर हैं एक, इनकी उसमें पड़ गया वो कोचिंग में, तो वहाँ से वो आगे बढ़ता चला गया का। और DPS में एक मैच हुआ था, उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहा था, और हीरोंडा की मोटरसाइकिल मिली थी उसे एक। उसके बाद में फिर वो आ गई, फिर रणजी में उसका सेलेक्ट हो गया का, फिर आगे वो चलता ही गया है का। कल क्या किया उन्होंने, कल देखा आपने? कल उसने 5 छक्के लगाकर मुझे तो इतना खुश कर दिया कि बस पूछ ही मत, उसने अपनी टीम के तो जिताया, और मैं तो कहता हूँ कि आगे चल के इंडिया के लिए खेले। क्या लगता है आपको, गर्व है? मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पे, सबको गर्व है मेरे पर। आज से ही कल से ही जब से मैच जिताया मेरे फोन आ रहे हैं का, क्या बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को। 5 बॉल पे 5 छक्का मारे, बहुत बढ़िया लगा। शुभकामना मिल रही। हाँ, क्या कह रहे थे सब लोग? सब लोग बढ़िया बात कह रहे थे। क्या उम्मीद है? इंडिया खेले, आगे बढ़े। उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम सोच रहे थे, भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि भगवान आज मतलब ये मैच जिता दें, हमने तो मतलब सभी ने ये सोच लिया था शायद ही जीतेंगे, लेकिन उन्होंने 5 छक्के लगा के उन्होंने जिता दिया।